गुरु पूर्णिमा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं टू द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, और इस दिन हम टीचर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए हम केक काटते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी वाला गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। बट डीपली गुरु पूर्णिमा है क्या, तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें से सेकेंड टॉपिक ही यही है, व्हाट इज़ गुरु पूर्णिमा, एंड फर्स्ट टॉपिक की वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। सो गोइंग टू द सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज़ गुरु पूर्णिमा। सो गुरु पूर्णिमा एक ट्रेडिशन है, ये एक परंपरा है जो कि बहुत ही सालों से चला आ रहा है और ये डेडिकेटेड है टू ऑल स्पिरिचुअल एकेडमिक गुरुज को। ये जो सेलिब्रेशन है ये एक ऐसे आइडेंटिटी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो कि आपके लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर आपके टीचर्स हों जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। एज़ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा और प्रफुल्ल बिल्लौरे आपके गुरुज हो सकते हैं, और कई बार हमारे जो नेबर होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, वो भी हमें हमारे लाइफ की कुछ वैल्यू एडिंग चीज़ सिखाते हैं और ये सब सेलिब्रेशन उनके लिए डेडिकेटेड होता है। गुरु पूर्णिमा ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इसे भूटान में और नेपाल में भी मनाया जाता है, और इसे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि इसे जैन धर्म और बुद्धिस्ट लोग भी गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। सो गोइंग टू द फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ गुरु पूर्णिमा। अब हम गुरु पूर्णिमा की हिस्ट्री को देखेंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि अच्छा गुरु पूर्णिमा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। यहाँ पर हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें से सेकेंड टॉपिक यही है, वाई बुद्धिस्ट सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा। आखिर बुद्धिस्ट लोग गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो बुद्धिज़्म में गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है टू पेइंग द रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेशन किया जाता है जिन्होंने बुद्धिज़्म को इस्टेब्लिश किया था। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका ये मानना है कि ऑन द फुल मून डे के दिन, यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन, उन्होंने बोधगया में बोधि ट्री के नीचे जब उन्होंने पूरी ज्ञान को प्राप्त कर लिया था तो उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसके बाद से बुद्धिज़्म में गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है टू द रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब गोइंग टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाई जैन सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा। आखिर जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इनकी क्या हिस्ट्री रही है। तो जैन धर्म के प्रसिद्ध 24वें तीर्थंकर महावीर को रिस्पेक्ट देने के लिए गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है, और जैन धर्म में इसे त्रिनो गुहा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जितने भी जैन धर्म के फॉलोवर हैं उनका ये मानना है कि इस दिन महावीर को उनके सबसे पहले फॉलोवर, सबसे पहले शिष्य मिले थे जो थे गौतम स्वामी, और इस दिन महावीर त्रिनोक गुहा बन गए थे। तब से जैन धर्म में त्रिनोक गुहा पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और अगर थर्ड टॉपिक को देखें, वाई हिंदुज़म सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा। आखिर हिंदू लोग गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस दिन लॉर्ड शिवा ने सप्त ऋषिज को योगा का ज्ञान दिया था, योग की नॉलेज दी थी कि योगा करने से हमें क्या क्या मिलता है, और तभी से हिंदू भक्त जो हैं वो इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा को हिंदुज़म में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था जिन्होंने महाभारत जैसे बड़े बड़े किताबों को लिखा है, और इसी दिन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्रह्मसूत्र को भी कंप्लीट किया था। तो ये थे हिस्ट्री ऑफ गुरु पूर्णिमा एंड व्हाट इज़ गुरु पूर्णिमा, ये दोनों चीज़ हमने कवर कर लिया है। और अगर आपको और भी टॉपिक देखना है, अभी रिसेंटली जगन्नाथ यात्रा हुआ था तो उसका भी जो आपको वीडियो है वो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, और अभी अगर आपको सबसे PW के ऊपर भी केस स्टडी चाहिए तो उसका भी वीडियो आपको राइट में दिख रहा होगा।